शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। रुद्र संहिता का अध्याय 31। देवताओं के अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण के वेश में शिवजी जी का हिम बांध के घर जाना और शिव की निंदा करके पार्वती का विवाह करके विवाह उनके साथ ना करने को कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेना और हिम बांध की भगवान शिव के प्रति उच्च कोटि की अन्यन भक्ति देख इंद्र आदि सब देवता परस्पर विचार करने लगे। तदंतर ग्रह गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार सभी मुख्य देवताओं ने शिव जी के पास जाकर उनको प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव देव महादेव करुणाकार शंकर, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा कीजिए, आपको नमस्कार है स्वामी। आप भक्त वत्सल होने के कारण सदा भक्तों के कार्य सिद्ध करते हैं, दिनों का उद्धार करने वाले और दया के सिंधु हैं तथा भक्तों को विपत्तियों से छुड़ाने वाले हैं। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने मेना और हिमवान की अनन्य शिव भक्ति के विषय में सारी बातें आदर पूर्वक बताई। देवताओं की वह बात सुनकर महेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते हुए उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। तब सब देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान सदाशिव की प्रशंसा करते हुए शीघ्र अपने घर को लौटकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। तदंतर भक्त वत्सल महेश्वर भगवान शंभु जो माया के स्वामी हैं निर्विकार चित से शैलराज के यहाँ गए। उस समय गिरिराज हिमवान सभा भवन में बंधु वर्ग से घिरे हुए पार्वती सहित प्रसन्नता पूर्वक बैठे थे। इसी अवसर पर वहां सदाशिव ने पदार्पण किया। वे हाथ में दंड छत्र, शरीर पर दिव्य वस्त्र, ललाट में उज्जवल तिलक, एक हाथ में सपीटक की माला और गले में शालग्राम धारण किए भक्ति पूर्वक हरि नाम का जप कर रहे थे और देखने में साधु वेशधारी ब्राह्मण जान पड़ते थे। उन्हें आया देख सब परिवार हेमवान उठकर खड़े हो गए। उन्होंने उन अपूर्व अतिथि देवता को भूतल पर दंड के समान पढ़कर भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती ब्राह्मण रूपधारी प्राणेश्वर शिव को पहचान गई थी, अतः उन्होंने भी उनको मस्तक झुकाया और मन ही मन बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की। ब्राह्मण रूपधारी शिव ने उन सबको प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया, किंतु शिवा को सबसे अधिक मनोवांछित शुभाशीर्वाद प्रदान किया। शैलाधिराज हिमवान ने बड़े आदर से उन्हें मधुपर्क आदि पूजन सामग्री भेंट की और ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह सब ग्रहण किया। तत्पश्चात गिरी श्रेष्ठ हिमाचल से उनका कुशल समाचार पूछा। मुने अत्यंत प्रीतिपूर्वक उन विराज की विधिवत पूजा करके शैलराज ने पूछा, आप कौन हैं? तब उन ब्राह्मण शिरोमणि ने गिरिराज से शीघ्र ही आदर पूर्वक कहा। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले, गिरी श्रेष्ठ, मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिषी के वृत्ति का आश्रय लेकर भूतल पर भ्रमण करता रहता हूँ। मन के समान मेरी गति है, मैं स्वतः जाने में समर्थ और गुरु की दी हुई शक्ति से सर्वज्ञ परोपकारी शुद्धात्मा दया सिंधु और विकार नाशक हूँ। मुझे ज्ञात हुआ कि तुम अपनी इस लक्ष्मी सरीखी सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा अपनी पुत्री को एक आश्रय रहित असंग कुरूप और गुणहीन वर महादेव जी के हाथ में देना चाहते हो। वे रुद्र देवता मरघट में वास करते, शरीर में सांप लपेटे रहते और योग साधते फिरते हैं। उनके पास पहनने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है, वैसे ही नंग धड़ंग घूमते हैं, आभूषण की जगह सर्प धारण करते हैं। उनके कुल का नाम आज तक किसी को ज्ञात नहीं हुआ। वे कुपात्र और कुशील हैं, स्वभावतः विराह से दूर रहते हैं, सारे शरीर में भस्म रमाते हैं, क्रोधी और अवेकी हैं। उनकी अवस्था कितनी है यह किसी को ज्ञात नहीं। वे अत्यंत कुसित जटा का भोष सदा सिर पर धारण किए रहते हैं। वे भले बुरे सबको आश्रय देने वाले ब्राह्मणशील नागहार धारी भिक्षु कुमार प्रायण तथा हठपूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले हैं। ऐसे अयोग्य वर को आप अपनी बेटी ब्याहना चाहते हैं? अचल राज, अवश्य ही आपका यह विचार मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, मेरे कथन का मर्म समझो। तुमने जिस पात्र को ढूंढ रखा है वह इस योग्य नहीं है कि उसके हाथ में पार्वती का हाथ दिया जाए। शैलराज, तुम ही देखो, उनके एक भी भाई बंधु नहीं है।
तुम तो बड़े बड़े रत्नों की खान हो, किंतु उनके घर भुजी भांग भी नहीं है। वे सर्वथा निर्धन है। गिरिराज, तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं से, मेना देवी से, सभी बेटों से और पंडितों से भी प्रयत्न पूर्वक पूछ लो, किंतु पार्वती से ना पूछना, क्योंकि उन्हें शिव के गुण दोष की परख नहीं है। ब्राह्मण जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वे ब्राह्मण देवता, जो नाना प्रकार की लीला करने वाले शांत स्वरूप शिव ही थे, शीघ्र खा पीकर आनंद पूर्वक वहां से अपने घर को चल दिए। तो ये था अध्याय 31।